emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. ये इसलिए कि बिल्डर जो है एवरी मंथ कोई ना कोई हमसे चार्जेस लगाते रहते हैं. पहले हमने 1 लाख रुपए जब हमने ये लिया था फ्लैट बुक कर रहा था तब इन्होंने हमसे 1 लाख रुपया जो है इसका 1 से 4 लाख रुपया हमसे ये क्लब का लिया था और 2 लाख रुपया हमसे पार्किंग का लिया था. ठीक है, और 4 लाख टोटल हमसे लिया था और उस पर पेपर्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि हम कभी आपसे 500 चार्ज करेंगे या कुछ टाइम पीरियड बाद हम आपसे चार्ज करेंगे. बट ये क्या है कि अब जो और बिल्डर्स ने भी इंस्टॉलमेंट प्रूव कर दिया है और सुपरटेक के पास भी अब पैसा नहीं है. आप देख भी सकते हैं कि नोट था ये अभी तक वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ 4 साल पहले खड़ा हुआ था. अब इसके पास पैसे तो है नहीं. अब इसलिए अपने और फ्लैट्स के लिए हमसे पैसे निकलवा रहा है, रेजिडेंट से पैसा निकलवा रहा है और ये जबकि बिल्कुल गलत है और ये हमसे गैर कानूनी है. और जो ये क्रेडिट हमसे बैलेंस चार्ज कर लेते हैं, अगर हमारी पेमेंट एक दिन भी लेट हो जाए तो ये हमारी लाइट काट देते हैं. बच्चे बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं कि भाई बिल लाइट के बिना, और कभी भी काट देते हैं शाम को रात को, कुछ नहीं देखते हैं. और जबकि क्रेडिट भी एज पर लो ये गलत है. और ये अगर जारी रहती है तो हम क्या करेंगे, हम फिर क्लब बंद कर देंगे. मेंटेनेंस धरना तो हम रखेंगे. और ये पूरा मामला ये है कि सुपर एरिया पे हमसे कैंप चार्जेस लिया जा रहा है और उसमें सभी चार्जेस इंक्लूडेड है. क्लब चार्जेस के नाम पे हमसे 4-4 लाख रुपया लिया गया है क्लब की मेंबरशिप के लिए. इससे पहले जब मीटिंग हुई हम लोगों ने हल्ला मचाया, इन्होंने क्लब चार्जेस 500 रुपये पर हेड पर फैमिली रखा हुआ था, 500 रुपये पर फैमिली रखा हुआ था. हम लोगों ने हल्ला मचाया, इन्होंने जो कैंप की हमें कैलकुलेशन दी थी उसमें ऑलरेडी वो पैसा लगाया हुआ था जिसमें कि स्विमिंग पूल के चार्जेस, क्लब में कोई चीज़ इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है उसका चार्जेस, क्लब में जो आदमी जिम सिखा रहा है उसका चार्जेस, सब कुछ वो लोग सीट में लिए हुए थे. अब ये उस टाइम इन्होंने क्या किया, वो 500 रुपये रोल बैक कर लिया सब लोग रेजिडेंट के कहने पे. अब ये AOA बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पे कि AOA बने मतलब RWA बने. इन्होंने जानबूझ के ये मुद्दा यहाँ पे इम्पोज कर दिया है जिससे AOA ना बन पाए, RWA ना बन पाए, इसलिए ये जानबूझ के ये मुद्दा उठाया गया इनके द्वारा, बिल्डर के द्वारा, जिसमें ये 500 रुपये जबरदस्ती अब से हम हमसे मांग रहे हैं. जबरदस्ती ये हमसे 500 रुपये मांग रहे हैं जिससे क्लब हमारा है. बोलो क्लब ये सामुदायिक भवन है, आप समझिए क्लब जो है सामुदायिक भवन है. क्लब से जो भी इनकम आ रही है वो कहीं नहीं शो करते हैं, वो किसी खर्चे में नहीं डाला जाता है. क्लब एक सामुदायिक भवन है जिसमें हम सबका हक है, ना कि बिल्डर का. बल्कि बिल्डर ये बोलता है कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है बिल्डर की, जो कि बिल्कुल नहीं है. हमारे रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि यह सामुदायिक भवन है और इसका यूज आपको करना है, जिसके लिए हमने पे भी किया हुआ है ऑलरेडी 1-1 लाख रुपए पर, 4-4 लाख रुपए, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 4 लाख रुपए इसका ऑलरेडी पे किया हुआ है. मैनेजमेंट में हमने सबसे बात की पहले, इसलिए रोल बैक हुआ ये 500 रुपए. अब ये नए पे अभी इन्होंने हम पे इम्पोज करने की कोशिश की जिससे हम सारे जो रेजिडेंट है वो डिवाइड हो जाए और कल जो AOA का AO बनना है उसमें हम ना बन पाए. हम लोग वो अल्लाह करे और ये कल लोग मीटिंग में ना आए. AOA की कल GBM मीटिंग है, ये लोग जानबूझ के ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कल हम लोग GBM की मीटिंग में ना आए या GBM ना हो. एंड गेम रूम इसके लिए मेंटेनेंस चार्ज नहीं देंगे. नहीं देगा. वो तो मैसेज में क्लियर हो गया. नंबर 2 मैंडेटरी है, मेंबरशिप लिया है ये क्लब की. ये 3 एमिनिटीज के लिए जो भी मेंटेनेंस चार्ज, जो भी आदमी उसमें डिटेल होता है, जो भी केमिकल लगता है, उनका हक बनता है कि दे विल पे द मेंटेनेंस एंड दे विल चार्ज बिकॉज अदर एरिया कॉमन एरिया का. वो बेकार बात है. इसमें से बाकी जो नॉन मेंबर्स हैं दे नॉट पे. Hello? Let me go, y'all.
मेंबरशिप लगी है। लोगों को ऊपर न चलाओ। जिम्नेशियम